हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। तो मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से एनिमल फिजियोलॉजी का वेट कर रहे थे, तो फाइनली ई लर्नम ने आपके लिए इस सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन करा था कि ये जो सीरीज़ रहेगी, इसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे। जो CSIR या अदर लाइफ साइंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी यूनिट 7 की शॉर्टिंग वाली, जिसमें मैंने मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की शॉर्टिंग की थी, उसमें आपने देखा होगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर नर्वस सिस्टम पिकअप करा है। और आज के इस लेक्चर में हमें क्या बात करनी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फटाफट शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले हम कंटेंट की बात कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, सेकंड होगा एक्शन पोटेंशियल, एंड थर्ड होगा सेंसरी बायोलॉजी। जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम रहेगा, उसमें हमें टोटल क्या दो लेक्चर्स रहेंगे। एक तो हमारा रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसे हम आज कवर करेंगे, एंड सेकंड होगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पिकअप करेंगे, एंड थर्ड जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा एक्शन पोटेंशियल का। तो एक्शन पोटेंशियल हमारा थर्ड लेक्चर होगा, उसके बाद हम कवर करेंगे सेंसरी बायोलॉजी। तो सेंसरी बायोलॉजी में भी आपके दो सेक्शंस होंगे या दो लेक्चर होंगे, एक होगा आई फिजियोलॉजी का और दूसरा होगा ईयर फिजियोलॉजी का। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें 5 टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इन 5 टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम शुरू कर देते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊँगी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर इसका मेजर डिवीज़न में इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिकली जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको रिसीव करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड काउंटर एक्सचेंज करता है या कंपेयर करता है, एंड थर्ड जो है वो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपको एनवायरनमेंट से मिली है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो ये आपका ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई क्लासरूम है और सडन वहाँ पे कोई एंटर करता है, कोई स्टूडेंट एंटर करता है, तो आई के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आई। अगर किसी की एंट्री हुई तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। वो आई के थ्रू आई और उसको परसीव करा ब्रेन ने। जैसे ही ब्रेन उसको परसीव करता है उसके बाद कंपेयर करता है या काउंटर एक्सचेंज करता है। मीनिंग क्या कि वो जो पर्सन एंटर हुआ है उसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, ये कंपेयर करना कि पहले से मेमोरी उसके रिगार्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है। एंड थर्ड क्या होता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को करना कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। तो बेसिकली पहले परसीव करना, फिर काउंटर एक्सचेंज करना, कंपेयर करना, एंड उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका ब्रेन एंड सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, अब होता क्या है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर ब्रेन तक ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ब्रेन तक, ये है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये है आपका CNS। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन जब CNS तक जाती है तो उसके लिए कोई पाथ भी तो होना चाहिए। तो वो पाथ क्या है, वो पाथ ही बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्योंकि नाम से ही हमें पता चला है पेरिफेरल मतलब कि क्या होता है, चारों तरफ का, जो हमारे चारों तरफ की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके आए और वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स कराए, तो वो आपका पाथवे होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेंसरी नर्वस सिस्टम में एंड मोटर नर्वस सिस्टम में। तो आपका जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, सेंस करने वाला, नाम से ही हमें पता चल रहा है। सेंस करने वाला मतलब क्या है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रहेगी वो एक नर्व्स, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं या एफरेंट नर्व्स होती हैं, उनके थ्रू ब्रेन तक जाता है।
तो वो काम कौन कैरी करता है? आपका सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मोटर नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये है कि ब्रेन ने जब कंपेयर करा, काउंटर एक्सचेंज करा, और ब्रेन ने जब उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स करने के लिए भेजा, तो वो किस पाथवे के थ्रू आती है? वो आती है मोटर नर्व्स के थ्रू, उसको कहते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली लाने ले जाने का काम करता है। तो ले जाने का काम कौन करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसरी नर्वस सिस्टम, और ब्रेन से वापस लाने का काम कौन करेगा? मोटर नर्वस सिस्टम। अब जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका स्पेशल सेंस एंड सेकेंड होता है जनरल सेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशल सेंसेस मतलब क्या होते हैं? कुछ ऐसे सेंसेस या कुछ ऐसे एरिया जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं, और वो किसी एक ही तरीके की जो प्रतिक्रिया है उसको करते हैं। तो उसमें क्या आएगा, जैसे फर्स्ट अच्छा एग्जांपल है विजन का। अगर आप विजन की बात करें तो आप केवल आई के थ्रू ही सेंस कर सकते हैं। आप अपने कानों से नहीं देख सकते, आप अपनी फिंगर से नहीं देख सकते, आप अपनी स्किन से नहीं देख सकते। तो ये क्या है? ये स्पेशल सेंस है जो एक ही तरीके का काम करता है, जिसका काम क्या है? केवल लाइट को परसीव करना, इमेज क्रिएट करना या फिर इमेजिनेशन क्रिएट करना। तो ये आपका विजन है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन मीनिंग क्या होता है? स्मेल करना। तो स्मेल के लिए भी एक स्पेसिफिक एरिया है, आपका नेजल एरिया है। तो आप नोज के थ्रू ही स्मेल कर सकते हैं, आप आई के थ्रू स्मेल नहीं कर सकते, आप ईयर के थ्रू स्मेल नहीं कर सकते, आप फिंगर के थ्रू स्मेल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? बेसिकली आपका ऑल्फेक्शन है जिसके लिए एक पर्टिकुलर या स्पेशल सेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका थर्ड स्पेशल सेंस है हियरिंग। हियरिंग भी आप केवल कान के थ्रू कर सकते हैं, आई के थ्रू नहीं हो सकता, फिंगर के थ्रू नहीं हो सकता। वैसे ही आपका आता है इक्विलिब्रियम एंड पोजिशन। तो आपका जो बैलेंसिंग होता है, जो आपका बॉडी पोस्चर होता है, उसके लिए मेंटेन करता है ईयर, इनर ईयर जो रहता है उसमें टू अपैरेटस होते हैं। एक होता है आपका क्लोइका एंड सेकंड जो होता है वो है वेस्टिबुलर पार्ट। जो आपका वेस्टिबुलर पार्ट होता है वो बेसिकली स्पेशल सेंस का पार्ट होता है, जो इक्विलिब्रियम एंड जो आपकी पोजिशन है उसको मेंटेन करता है। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सेंसरी बायोलॉजी, तो सेंसरी फिजियोलॉजी में जब हम ईयर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे आपको वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट जो है वो है आपका टेस्ट। आप टंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी ईयर नोज के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जाम्पल है ये स्पेशल सेंस के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पर स्पेशली नर्व्स होती हैं, स्पेशल सेंसरी नर्व्स होती हैं जो आपकी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं। एंड सेकेंड है आपका जर्नल सेंस। जर्नल सेंस में यहाँ मैं दो कैटेगरी बता रही हूँ। पहली है आपकी सोमैटिक सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्किन, लोकोमोशन मीनिंग स्केलेटल मसल्स। अब इसको कैसे समझिए? जर्नल सेंस मतलब ऐसा नहीं है जर्नलाइज है, जर्नल सेंस मीनिंग ऐसा है कि वो कई जगह प्रेजेंट है। जैसे आप स्किन की बात करें, आपकी पूरी बॉडी में स्किन प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ टच करेंगे तो भी आपको सेंस होगा, यहाँ टच करेंगे तो भी सेंस होगा, यहाँ टच करेंगे तो भी सेंस हुआ, यहाँ टच किया तो भी सेंस हुआ। तो ये जनरल सेंस है। आप स्किन के थ्रू अपनी ओवरऑल बॉडी में टच करेंगे तो सेंसेशन होता है, तो इसीलिए इसको रखा है जनरल सेंसेशन में। एंड नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन। लोकोमोशन मीनिंग स्केलेटल मसल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो स्केलेटल मसल्स बेसिकली क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल्स में आती है। आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, अभी जो जो बता रही हूँ उसको सुन लो। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट लास्ट जब ये लेक्चर खत्म होगा तब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सारी जो जो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन, वो सब याद हो जाएगी। तो एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है? तो लोकोमोशन मीनिंग जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो भी आपकी जनरल सेंस का एग्जाम्पल होती हैं। एंड सेकेंड है आपका विसरल सेंसेशन। विसरल मतलब क्या होती है? विसरा से आप क्या समझते हैं? विसरा मीनिंग होता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन। आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनका जो डीपेस्ट पार्ट होता है वो बेसिकली विसरा होता है। तो जो विसरल सेंसेशन है वो भी आपका जनरल सेंसेशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा सेंसरी न्यूरॉन्स का, इसका क्या काम है? इन्फॉर्मेशन को लेके आना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इन्फॉर्मेशन को कैरी करना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। लेकिन अब ब्रेन ने क्या करा? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, परसीव कर लिया, रिसीव कर लिया। अब उसने काउंटर एक्सचेंज कर लिया, कंपेयर कर लिया, अब वापस भी तो भेजेगा रिस्पॉन्स के लिए कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। उसके लिए होता है हमारा मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
अब मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यहाँ मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सोमेटिक रिस्पॉन्सेस आर वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस। अब नाम से ही पता है सोमेटिक मीनिंग क्या है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो अंडर कंट्रोल्ड होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, आपने उसको हाई करा, उससे बात करी, उसे स्माइल दी, तो इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। तो आप उससे बात कर रहे हैं, उसके प्रति आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सारा क्या है, ये है आपका वॉलेंट्री कंट्रोल, जिसे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सब किसके कारण हो पा रहा है, ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्सेस के थ्रू। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्सेस और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, मतलब जो ऑटोमेटिक हो जाए, नाम से ही पता चल रहा है, जो ऑटोमेटिक हो जाए, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप अपने किसी मेल या फीमेल फ्रेंड के साथ घूम रहे थे या घूम रही थी, और सडनली आपके पिताजी आपके सामने आ जाए, वो आप दोनों को साथ में देख ले, तो क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हार्ट बीट इंक्रीज हुई थी, ये अंडर आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपने जस्ट देखा, आपको फियर हुआ, थ्रेटन कंडीशन लगी, और सडन आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स है। न्यूरॉन्स ने, मोटर न्यूरॉन्स ने रिस्पॉन्स करा सडन, एक थ्रेटन को देख के, एक फियर्स को देख के, तो ये ऑटोमेटिक हुआ। सेकेंड है आपका सलाइवा सिक्रेशन। आपके सामने एक प्लेट में 5 to 6 लेमन के पीजेस रख दिए जाए, तो सडन आप देखेंगे कि आपके माउथ से सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है। तो ये भी आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस है, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस है। एंड थर्ड क्या होता है, जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, उसमें एंजाइम का सिक्रेशन, वो भी आपका इनवॉलेंट्री होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, ये रूटीनली जो होता है मैं उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वो भी आपका इन्वॉलेंट्री है। जैसे ही आप फूड को कंज्यूम करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस या जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो सिक्रेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी फूड कंज्यूम करा और आप सोचे कि 4 दिन बाद डाइजेशन हो, तो ये सब नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या है, ये इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो भी फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपथेटिक में एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को याद रखने का तरीका है सिंपथी। जब आपको सिंपथी की जरूरत होगी, तब जाके आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एक्टिवेट है, आपको सिंपथी की जरूरत है। तो सिंपथी की जरूरत कब होती है, जब आप इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं, जब आप फिजिकली स्ट्रेस में होते हैं, जब आप मेंटली स्ट्रेस में होते हैं। ओवरऑल जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तब आपको जरूरत होती है सिंपथी की, एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम एक्टिवेट होता है। बिल्कुल वैसा सा कि आपके सामने कोई फियर कंडीशन आई, फाइट की कंडीशन आई, फ्लाइट फ्राइट, ये जब कंडीशंस बनती हैं, तो बॉडी में जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और उसके रिजल्टेंट क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट बढ़ जाती है, और एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन का सिक्रेशन होता है। तो ये आपका बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके अपोजिट काम करने वाला। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को कई बार रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, जब आप एकदम चिल कर रहे हैं, आराम से लेटे हैं, खा पी रहे हैं, स्ट्रेस में नहीं है, तब आपका पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, मीनिंग अगर सिंपथेटिक एक्टिवेट होगा तो पैरासिंपथेटिक इनहिबिट होगा, जब पैरासिंपथेटिक इनहिबिट होगा तो आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। तो आप समझ गए, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को परसीव करेगा, काउंटर एक्सचेंज करेगा, कंपेयर करेगा और रिस्पॉन्सेज देगा, जिसके पार्ट है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके टू पार्ट्स है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेके जाएगा ब्रेन तक, मोटर उसको वापस लेके आएगा ब्रेन से। उसके भी टू पार्ट्स है सेंसरी के, स्पेशल सेंसेस एंड जर्नल सेंसेस। एंड मोटर में सोमेटिक है, जो आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं। जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जब आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, रिस्पॉन्सेज दे पाएंगे, तो वो सोमेटिक है, अंडर कंट्रोल्ड है। लेकिन जब ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती है, रिस्पॉन्सेज जो है वो ऑटोमेटिक निकल रहे हैं, हार्ट बीट का बढ़ जाना, सलाइवा सिक्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिफरेंट एंजाइम का सिक्रेशन, ये है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में है आपका सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक।
सिंपथेटिक, सिंपथी जब आपको चाहिए मतलब जब आप स्ट्रेस में है तब आपका एक्टिवेट होता है, और जब आप रिलैक्स्ड है स्ट्रेस्ड नहीं है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में होता है आपका पैरासिम्पथेटिक। तो अभी बस इतनी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रख लो, एक एक करके हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा लेक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब समझ में आएंगे, क्योंकि अब हम उसी पे स्विच करने वाले हैं। तो आपका पहला क्या मैंने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पहले एक चीज ये जान लो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे आपका ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है, ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव नहीं कह सकते मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है बॉडी के। आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी की सारी मैकेनिज्म को, इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने, ये सारा कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन के पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके पास एक स्पेशल कवरिंग भी होगी। तो नेचर ने हमारे ब्रेन को बहुत ब्यूटीफुली प्रोटेक्ट करा है। अब कैसे प्रोटेक्ट करा है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले बर्बली सुनो, होता क्या है कि जैसे आप अपने, चलो ब्रेन की ही बात कर लेते हैं, वैसे ये दोनों जो मेनिंजेस है वो आपकी ब्रेन की भी कवरिंग है और सिमिलर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की भी कवरिंग है। हम यहाँ पे ब्रेन से समझते हैं। तो जैसे आपका ये ब्रेन है, सबसे ऊपर क्या है इसके, स्कैल्प होता है, स्कैल्प होता है, उसके बाद स्कल होता है, फिर स्कल के बाद क्रेनियम होता है, फिर आपकी आती है मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है वो आपकी कवरिंग है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेनिंजेस का स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसकी जो पहली लेयर है वो है आपकी ड्यूरा मैटर, ये है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कवरिंग होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और डुअल लेयर होती है, कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन ये डबल लेयर ही आपकी ड्यूरा मैटर है। सेकेंड है आपका एरेकनॉइड मैटर, जो ड्यूरा मैटर की जस्ट बीनीथ होती है, मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे होती है, और ये जो लेयर है एरेकनॉइड मैटर, ये बेसिकली मिडिल लेयर होती है। वेव लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। आगे करके मैं अभी स्ट्रक्चर में पूरा समझा दूंगी, सब समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। और थर्ड होती है पिया मैटर, जो आपकी एरेकनॉइड मैटर के बीच में होती है, जो आपकी लास्ट लेयर होती है। मेनिंजेस की 3 लेयर्स है, ड्यूरा, एरेकनॉइड एंड पिया मैटर, ठीक है। तो इसके बाद ये तो लेयर की बात होगी, अब हम फंक्शंस की अगर बात करें मेनिंजेस का, तो मेनिंजेस का फंक्शन क्या है, पहला है प्रोटेक्शन में। अब प्रोटेक्शन कैसे होगा, लेयर है, एकदम थिक लेयर है, तो ये करेगी क्या, यदि कोई ट्रॉमा, कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स ब्रेन के अंदर एंटर करता है तो ये बेसिकली वहां पे प्रोटेक्शन को बनाती है, ब्रेन के अंदर नहीं आने देती। सेकंड, सपोर्ट, क्यों, क्योंकि बहुत थिक है। अब अगर हम मेनिंजेस ना हो तो ऐसे होंगे तो इस तरफ ब्रेन होगा, ऐसे होंगे इस तरफ ब्रेन होगा, तो ये बेसिकली क्या होता है, बहुत ही सपोर्टिव होती है ब्रेन के लिए, यहाँ वहां नहीं होने देती, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती। एंड थर्ड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, CSF प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन। इसका मतलब ये है, जो आपकी लेयर्स हैं, आपकी ड्यूरा मैटर है, एरेकनॉइड है एंड पिया मैटर है, उसमें जो एरेकनॉइड मैटर होती है और बाकी इन तीनों मैटर्स को, लेयर्स को मान लीजिए, उसमें स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एपिडीडाइमल सेल्स, और ये जो एपिडीडाइमल सेल्स होती हैं ये बेसिकली सिक्रेट करती हैं सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड के लिए, और जो सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी ज़रूरी होता है ब्रेन के नरिशमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए ब्रेन के अंदर। तो सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन और सिक्रेशन के लिए होता है। एंड लास्ट क्या है, ब्लड की सप्लाई के लिए। जो आपकी सेकंड लेयर होती है एरेकनॉइड लेयर, वो बेसिकली क्या होती है, हाईली वास्कुलर लेयर होती है, या वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, तो ये ब्लड का सप्लाई करती है। तो ये उसके पॉइंट्स के बारे में हो गए। अब मैं डायग्राम के थ्रू इसको आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है बेसिकली आपका डायग्राम मेनिंजेस का। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्कैल्प, जो सबसे ऊपरी पार्ट है आपका। फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्कल बोन, ये आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है, और स्कल बोन के सीधे बाद आपकी मेनिंजेस शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले है आपकी ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है वो बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। कैसे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर सेकेंड लेयर, ये डुअल लेयर होती है, आपको दिख रही होगी, ये फर्स्ट लेयर है, ये उसकी सेकेंड लेयर है। सेकेंड इसके बाद है आपकी एरेकनॉइड, जो आपकी एरेकनॉइड लेयर है, एरेकनॉइड मैटर है, वो बनी हुई होती है आपकी वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक। एंड थर्ड जो है वो आपकी है पिया मैटर।
जो आपकी पिया मैटर है वो बेसिकली बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो ड्यूरा मैटर, उसके नीचे एरिकनॉइड मैटर, उसके नीचे पिया मैटर। ड्यूरा मैटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरिकनॉइड मैटर होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू, एंड पिया मैटर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब होता क्या है, जैसे ये आपका स्कैल्प है, इसके बाद आपका क्रेनियम या फिर आप स्कल मान लें, फिर इसके बाद आप ये देखिए, ये है आपकी ड्यूरा मैटर, फिर ये आ गई आपकी एरिकनॉइड मैटर, फिर इसके बाद आई ये पिया मैटर। तो अब यहाँ पर कुछ स्पेस भी होते हैं। अब पहला स्पेस क्या है, ये जो स्पेस है जो आपकी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, मतलब ये ड्यूरा मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर है, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो होता है आपका सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, जो आपकी ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का स्पेस है वो है सब ड्यूरल स्पेस, जहां पर एक वाटरी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। और दूसरा है आपका जो एरेक्नॉइड मैटर और जो आपका पिया मैटर के बीच का स्पेस है वो कहलाता है आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस, जो ये लिखा हुआ है सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है वहां पर आपका रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखो, मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई कि जो आपकी एरेक्नॉइड मैटर होती है, ये सेकेंड वाली लेयर, ये बेसिकली क्या होती है, वास्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है। लेकिन अगर आप ये, कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हाईली वास्कुलराइज्ड लेयर कौन सी है, तो वो पिया मैटर होती है। पिया मैटर क्यों होती है, क्योंकि जो ये एरेक्नॉइड मैटर है यहाँ पर, तो ये जो है एरेक्नॉइड मैटर, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड का सप्लाई जो है पूरा करती है पिया मैटर में। प्लस मैंने आपको बताया ये जो आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस है, जो स्पेस है आपका एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच का जो स्पेस है, वहां भरा हुआ रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो वो फ्लूइड भी आपके नीचे आ जाता है पिया मैटर पे। और आपकी जो ये पिया मैटर है, वहीं से आपका ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये बेसिकली है नर्वस टिश्यू की या ब्रेन टिश्यू की। तो ये ब्रेन टिश्यू जो है आपके पिया मैटर से अटैच होते हैं, इसीलिए सेरिब्रोवास्कुलर जो फ्लूइड है वो भी आपका पिया मैटर पे आता है। प्लस में जो आपका ब्लड सप्लाई है, एरेक्नॉइड जो है वो ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा करती है पिया मैटर को, तो दोनों को मिला के पिया मैटर जो है वो हाईली वास्कुलराइज्ड लेयर बनती है, ठीक, जो कनेक्टिव टिश्यू की है। तो कवरिंग समझ में आई कि क्या है, स्कैल्प है, स्कल बोन है, फिर उसके बाद मेनिंजेस है। तो मेनिंजेस ही बेसिकली कवरिंग है, जिसमें थ्री लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर जो बनी है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, एरेक्नॉइड मैटर बनी है वास्कुलर टिश्यू की, एंड पिया मैटर बनी है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेस जो आपका ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड के बीच का स्पेस है वो है सब ड्यूरल स्पेस, जो आपका एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर के बीच का स्पेस है वो है आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस। और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो सब ड्यूरल स्पेस है वहाँ होता है वाटरी फ्लूइड। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्रेन पूरे तरीके से प्रोटेक्ट होता है, ना कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आएगा, ना किसी तरीके का ट्रॉमा, ना ही किसी तरीके की कोई चोट, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवरिंग स्पेशली बनाई गई है, जो आपको केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मीनिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया, पहले पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट पे स्विच करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया टू पार्ट्स होते हैं, पहला क्या होता है ब्रेन, हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो कैसे होता है, एक्टोडर्म से होता है। और जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, जब आप फीटस स्टेज की बात करें, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय जो आपका ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता, उस समय क्या होता है, केवल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल इस तरीके का। इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये आपका फोर ब्रेन होगा, ये मिड ब्रेन होगा और ये हाइंड ब्रेन होगा। अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हो सकता है ये पार्ट पढ़ा हो, न्यूरल ट्यूब जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है, तो ये उसका पार्ट है। तो स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेज में खाली एक लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो इनिशियली इसके पार्ट क्या होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बस खाली थ्री ही इसके पार्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद जो फोर ब्रेन है, जैसे ही जैसे एज बढ़ता है, डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीट हम एडल्ट होते हैं, चाइल्डहुड से एडल्ट, तो उस सिचुएशन में फोर ब्रेन हमारा डिवाइड होता है। फिर जब डिवाइड होता है तो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो है आपका सेरिब्रम एंड सेकंड है डाइनसेफेलॉन। अभी बस नाम सुनते जाओ, एक एक करके ये सारे याद हो जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। तो फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया है सेरिब्रम में प्लस डाइनसेफेलॉन में। फिर मिड ब्रेन की बात करते हैं,
तो मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो कहती है मिड ब्रेन में डिवीजन नहीं है, लेकिन मिड ब्रेन के टू पार्ट्स है, एक तो टेक्टम है, एक टेगमेंटम है। जो टेक्टम है उसके भी अगेन टू पार्ट्स है, एक तो क्रूरा सेरिब्री है जिसे सेरिब्रल पिडंकल भी कहते हैं, और एक है कॉर्पोरा क्यूडली जमिना। तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं ये फंक्शनल पार्ट है। तो कई बार बहुत सी बुक में कहा गया है कि उसका डिवीजन है, लेकिन ब्रेन मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता, वो उसके स्पेसिफिक पार्ट है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। अभी जब मिड ब्रेन पढ़ेंगे मैं डिटेल में बता दूंगी। और फोर ब्रेन जो है उसके ये टू मेजर डिवीजन है। बहुत सी बुक में आप देखेंगे थ्री डिवीजन, जिसमें पहला डिवीजन ऑल्फैक्टरी लूप, सॉरी ऑप्टिक लूप को बताते हैं, तो ये वाला जो है वो उसका माइनर डिवीजन है। अभी जब फोर ब्रेन पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। फिर थर्ड आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। तो ये जो है ये थ्री पार्ट्स हैं आपके फोर ब्रेन के। अब इसके बाद एक और टर्म्स है जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। स्टेम बेसिकली क्या होता है, एक लंबे तने जैसा स्ट्रक्चर, तो ये स्टेम होता है। तो इसके पार्ट क्या है, पॉन्स है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन, मीनिंग मिड ब्रेन प्लस टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कौन कौन से हैं, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये तीनों पार्ट मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। इसके भी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा ब्रेन का। ब्रेन में क्या होता है कि फोर इंटरकनेक्टेड कैविटीज होती हैं जिन्हें कहते हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। अब ये वेंट्रिकल्स क्या है इनको भी मैं अभी बताऊंगी। होता क्या है कि जैसे ब्रेन है, ब्रेन एक हॉलो ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में चार कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये कैविटीज क्यों प्रेजेंट होती हैं, इनका क्या फंक्शन है, वो अभी दो पाँच मिनट में बताऊंगी कि सेरिब्रल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। तो अभी बस ये सुनो कि जो ब्रेन है उसमें फोर इंटरकनेक्टेड कैविटीज भी हैं जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट जो है, जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स होता है उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ब्रेन को। और जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन में सर्कुलेट करता है, जो प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के काम में आता है। तो आप समझ गए ये बेसिकली ब्रेन है, कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से हुआ। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है वो इसके इनिशियली पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन को डिवाइड करा है सेरिब्रम में प्लस डाइनसेफेलॉन में। मिड ब्रेन देयर इज नो एनी डिवीजन। हाइंड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। पॉन्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन को कनेक्टिवली कहा जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन में फोर वेंट्रिकल्स या फोर कैविटीज होती हैं। ये जो कैविटीज होती हैं इनमें फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्लस में सर्कुलेशन, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम स्विच करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। अभी जो मैंने आपको बर्बली बताया वो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता दूंगी। अब ब्रेन के बेसिकली कितने थ्री पार्ट्स थे, फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं प्रोसेंसेफलोन। इनके नाम आप याद रखिएगा, प्रोसेंसेफलोन। सेकेंड है आपका मिड ब्रेन, मीजेंसेफलोन। एंड थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन, रोम्बेंसेफलोन। प्रोसेंसेफलोन, मीजेंसेफलोन एंड रोम्बेंसेफलोन। अब आपका फोर ब्रेन है उसमें थ्री डिवीजन है। टू जो है आपके मेजर डिवीजन में आते हैं, जिसमें है आपका सेरिब्रम जिसे कहते हैं टेलेंसेफेलॉन, एंड दूसरा है आपका डाइनसेफेलॉन जिसे कहते हैं थैलेमेंसेफेलॉन। बहुत सी बुक्स हैं जिसमें ये माइनर डिवीजन भी दिया जाता है जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रूप राइनेंसेफेलॉन। आया समझ में? इस तरीके से टू मेजर डिवीजन है, एक माइनर डिवीजन है। तो आपको ये समझ में आया। सेकंड जो है वो ब्रेन का, मैंने क्या कहा था मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन उसके टू इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तो है कॉर्पोरा क्वाड्रा जमिना एंड क्रूरा सेरिब्री जिसे कहते हैं सेरिब्रल पिडंकल। अभी हम मिड ब्रेन में इन दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन, जिसमें है आपका सेरिवेलम, मेटेंसेफेलॉन, पॉन्स वेरोलाई एंड थर्ड मेड्यूला ऑब्लंगेटा जिसे कहते हैं माइलेंसेफेलॉन। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मेजर डिवीजन में टू पार्ट है, सेरिब्रम मीनिंग टेलेंसेफेलॉन, सेकंड इज डाइनसेफेलॉन जिसे कहते हैं थैलेमेंसेफेलॉन, एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी लूप जिसे कहते हैं राइनसेफेलॉन। फिर आएगा आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मीनिंग मीजेंसेफेलॉन, टू पार्ट्स है कॉर्पोरा क्वाड्रा जेमिना एंड क्रूरा सेरिब्री जिसे कहते हैं सेरिब्रल पिडंकल।
थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन, जिसे जिसमें फर्स्ट है सेरिबेलम, मेटेलेंसेफेलॉन, पॉन्स वेरोलाई एंड मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, जिसे कहते हैं माइलेंसेफेलॉन। तो ये समझ में आया डिवीजन। अब हम पहले स्विच करेंगे फोर ब्रेन पे। अब पहले नहीं, इसका ये देखो लोकेशंस देख लो, ठीक है। तो आपका जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में आपके फोर लोब्स होते हैं। कौन कौन से लोब होते हैं? एक तो है आपका ये फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल लोब मीनिंग ये वाला जो, ये अभी मैं फोर ब्रेन की बात कर रही हूँ, फोर ब्रेन में टोटल फोर लोब होते हैं। पहला है आपका फ्रंटल जो आपके सामने होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये है आपका पेराइटल। ये इस तरफ जो लेटरल पार्ट होता है वो टेम्पोरल, और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ये होता है ऑक्सीपिटल। तो कौन कौन सा है? फ्रंटल, ये दो पेराइटल है, लेटरल या टेम्पोरल, और पीछे एक जो है वो है ऑक्सीपिटल। तो वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आगे वाला फ्रंटल है, बीच का पेराइटल है, पीछे का जो है आपका ऑक्सीपिटल, और ये वाला जो है वो है आपका टेम्पोरल। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें खाली आपको थ्री सेगमेंट दिख रहे होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और जैसे ही अडल्ट में हम कन्वर्ट होते हैं तो हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पहला फोर ब्रेन के टू मेजर डिवीजन में सेरेब्रम है, डाइनसेफलोन है। तो ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये क्या है आपका है सेरेब्रम, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से। और डाइनसेफलोन कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट होता है। अभी जब मैं डाइनसेफलोन को बताऊंगी तो आपको पूरा बता दूंगी डाइनसेफलोन के बारे में, क्योंकि डाइनसेफलोन के भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। फिर आते हैं हम मिड ब्रेन पे। तो ये जो हमारा डाइनसेफलोन का पार्ट है ये वाला, उसके नीचे जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली है आपका मिड ब्रेन। फिर उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये है पॉन्स, और उसके नीचे वाला ये जो है ये है आपका मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, और ये है आपका सेरिबेलम। तो समझ में आया कि फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है, हाइंड ब्रेन कहाँ है? हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड सेरिबेलम। पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड सेरिबेलम ये मिड ब्रेन है, और बाकी ये जो है आपका फोर ब्रेन है। तो ये लोकेशंस भी मैंने पार्ट्स की बता दी। अगर अभी क्लियर नहीं हुई है कोई बात नहीं, क्योंकि आगे चल के इन्हीं पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तीन चार बार डिस्कस करेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक। तो पहले अब हम वेंट्रिकल्स की भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन्स में फोर वेंट्रिकल्स होते हैं। फोर वेंट्रिकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली कैसा है, वो है एक हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्लूइड भरा है, और फ्लूइड भरा रहेगा तभी जाके ब्रेन को नरिशमेंट मिलेगा, ब्लड सप्लाई होगी, और प्रोटेक्शन कैसे, जैसे ट्रॉमा है, कोई इंजरीज है, किसी तरीके की कोई चोट लग रही है तो उससे प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो वेंट्रिकल्स अगर आप देखेंगे तो फोर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब वो कौन कौन से हैं? दो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। एक आपका होता है थर्ड वेंट्रिकल, और एक होता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। मतलब टू आपके लेटरल होते हैं, एक आपका थर्ड होता है और एक आपका फोर्थ होता है। तो टोटल आपके कितने वेंट्रिकल्स हुए? टोटल आपके बन गए फोर वेंट्रिकल्स। अब पहला जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो होता है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अब दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर ये है, दूसरा हेमिस्फीयर ये है। जब आप कॉर्टेक्स को ऐसे इस तरीके से अगर ब्रेन को डिवाइड करोगे तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, तो इस तरीके से टू हेमिस्फीयर है, तो टू वेंट्रिकल्स होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो आपका होता है वो बेसिकली डाइनसेफलॉन में प्रेजेंट होता है, जिसे आप, जिसका दूसरा नाम है डायोसीन। और जो आपके लेटरल वेंट्रिकल हैं उनको कहते हैं आप पैरासीन। फिर आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में, और ये जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है या फिर ये जो वेंट्रिकल्स है इसको आप क्या कहते हैं, मेटासील या मायोसील्स। तो फर्स्ट आपके जो दो है वो हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। थर्ड आपका प्रेजेंट है डाइनसेफलॉन में, और फोर्थ आपका प्रेजेंट है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में, जिसे मेटासील कहते हैं। फर्स्ट को पैरासील कहते हैं, सेकंड जो है वो डायोसील होती है। और ये जो लास्ट आपका वेंट्रिकल है, फोर वेंट्रिकल है, ये कंटिन्यू होता है एज अ सेंट्रल कैनाल और न्यूरोसील जो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। अभी इस स्ट्रक्चर में सब चीज़ समझ में आएंगी। अभी बस ये याद रखो कि फोर वेंट्रिकल हैं, दो आपके हेमिस्फीयर में प्रेजेंट हैं,
थर्ड आपका उसके नीचे फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है डाइनसेफेलॉन वो वहाँ प्रेजेंट है, और लास्ट जो है वो आपका मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा मीनिंग हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, और वो जो लास्ट वाला है वो सेंट्रल कैनाल के फॉर्म में कंटिन्यू होता है और सवाई जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक जाता है। ठीक, अब इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है, एक तो सेरिब्रो स्पाइनल प्रोडक्शन में है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन में जो आपका CSF होता है, मैंने आपको बताया वो कहाँ से सिक्रेट होता है, जो आपकी एपिडिडाइमल सेल्स होती हैं, तो ये जो आपके फोर वेंट्रिकल होते हैं इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इनर मोस्ट कवरिंग होती है, वो कई की बनी हुई होती है एपिडिडाइमल सेल्स की, और वहीं से सिक्रेशन होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। उसके सर्कुलेशन में भी, अब सर्कुलेशन कैसे करते हैं, फोर वेंट्रिकल हैं, सिक्रेट करा और सब क्या है इंटरकनेक्टेड है, फर्स्ट ही लाइन में लिखा है इंटरकनेक्टेड है, मतलब क्या है, यहाँ से फ्लूइड को यहाँ भेजेंगे, फिर नीचे भेजेंगे, दाएं भेजेंगे, बाएं भेजेंगे, तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन होता है, तो ये जो कैविटी है इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। थर्ड क्या है, वेस्ट रिमूवल में, ऑब्वियसली बात है सर्कुलेशन है, ब्लड वेस्कुलर लेयर्स भी यहाँ प्रेजेंट है, उस तरीके से ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है, वेस्ट का रिमूवल होता है, एंड प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि फ्लूइड है भरा हुआ है, किसी तरीके का शॉक होता है, ट्रॉमा होता है, इंजरीज होती है, मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, तो उन सब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो समझ में आ गया कि वेंट्रिकल्स फोर है, फंक्शन क्या है, CSF सर्कुलेशन में, वेस्ट रिमूवल में, प्रोडक्शन में एंड प्रोटेक्शन में। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं, ये देखिए ये जो आपको बेसिकली डायग्राम कैसे दिखाया गया है, अगर मैं इस तरीके से खड़ी हो जाऊँ और ऐसे कट होता है तब जाके आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो ये बेसिकली लेटरल व्यू आप देख रहे हैं, ये साइड वाला व्यू देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको थ्री वेंट्रिकल दिखेंगे, क्योंकि जब मैं ऐसे लेटरल साइड से खड़ी हूँ तो एक वेंट्रिकल यहाँ का दिखेगा, यहाँ का नहीं दिखेगा, डाइनसेफेलॉन का दिख जाएगा, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा का दिख जाएगा। ठीक, तो ये डायग्राम बिल्कुल वैसे बना है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई होकर बताती हूँ, जैसे अगर इस तरीके से मैं खड़ी हूँ और ऐसे सीधा कट लगे, तो जब हम इस तरीके से दिखेंगे तो हमें पूरा दिखेगा दो वेंट्रिकल यहाँ के, एक वेंट्रिकल यहाँ का, फिर यहाँ का, तो ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। आप देखो समझो, जैसे एक जो है आपका हेमिस्फीयर इस तरीके का है एंड सेकंड हेमिस्फीयर इस तरीके का है, ठीक, तो ये आपका एक हेमिस्फीयर, ये है आपका सेकंड हेमिस्फीयर, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसे मैं CH बस लिख दे रही हूँ, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, अभी थोड़ा सा रुको, ये ऐसे, अब वेंट्रिकल्स टोटल फोर वेंट्रिकल्स होते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वेंट्रिकल्स होगा वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में होगा, जो आपका सेकंड वेंट्रिकल होगा वो आपका राइट हेमिस्फीयर में होगा, और ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है जो आपका डाइनसेफेलॉन में है, और ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो बेसिकली आपका मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में है, और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो आपका कंटिन्यू होता है एज अ न्यूरोसील सेंट्रल कैनाल और ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। तो आया समझ में कि वेंट्रिकल्स क्या क्या है, तो पहले जो टू लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जब इस तरीके से इस थर्ड से कनेक्ट होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से, तो ये जो कनेक्शन कहलाता है, ये कहलाता है फोरामेन ऑफ मोनरो, जिसका सेकेंड नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। ठीक, ये उसके कनेक्शन का नाम है। फिर थर्ड एंड फोर्थ से कनेक्ट करता है जो, वो एक डक्ट होती है, और डक्ट का नाम क्या है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, जिसे इटर भी कहते हैं, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, जो आपके थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को करती है, जो आपके टू लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है वो है फोरामेन ऑफ मोनरो, जिसका सेकेंड नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। तो ये है। फिर आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कंटिन्यू होता है एज अ सेंट्रल कैनाल, जिसे हम कहते हैं न्यूरोसील, और ये कंटिन्यू मतलब बिदिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के। तो आया समझ में, तो ये जो आपका ब्लू ब्लू है वो किसको डिनोट कर रहा है, लेटरल वेंट्रिकल को। तो एक लेटरल वेंट्रिकल ये है, सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल ये है, जो पिंक है ये वाला, ये बेसिकली क्या है, ये कवरिंग है, ये कवरिंग नहीं सॉरी कनेक्शन है, जो आपके दो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो आपकी कैविटी थी या कनेक्शन था उसको क्या कह रहे थे, फोरामिना। एंड जो आपका थर्ड है और फोर्थ को कनेक्ट करने वाला, ये जो आप येल्लो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो आपका फोर्थ, मीनिंग ये ग्रीन कलर से डिनोट है, एंड थर्ड जो रेड
इसको ऐसे इस तरीके से जो कनेक्ट कर रहा था वो था सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो समझ में आया कि फोर कैविटीज है, फोर वेंट्रिकल्स है और बाकी आपके दो कनेक्शंस है जो आपस में कनेक्ट करते हैं चारों वेंट्रिकल्स को। और इस तरीके से जो आपका CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका प्रोडक्शन भी होता है, सर्कुलेशन भी होता है। तो ये वेंट्रिकल्स के फंक्शंस हैं और लोकेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट स्विच करने वाले हैं फोर ब्रेन पे। तो फोर ब्रेन का पार्ट क्या था? पहला था सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। अब सेरिब्रम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, तो ये कहलाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, अगर आप सेरिब्रम को देखेंगे तो उसमें दो एरिया है, एक तो कॉर्टेक्स एरिया है, ये जो सेरिब्रल का आउटर मोस्ट एरिया होता है ये वाला एरिया, ये कॉर्टेक्स होता है। जो इनर ईयर एरिया होता है वो मेड्यूला होता है। अब इनर लेयर जो है वो व्हाइट मैटर की बनी हुई होती है। अब इसको देखो, जो आपका कॉर्टेक्स है, मीनिंग जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, उसमें आपके न्यूरॉन सेल्स होते हैं, साइटोन्स होते हैं, सेल बॉडी होती है। इसीलिए जो ब्रेन का आउटर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट है, वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। ग्रे मैटर है मीनिंग साइटोन्स हैं, सेल बॉडीज हैं, तो उस वजह से वो ग्रेन है, वो फंक्शनल पार्ट है। फिर सेकेंड आता है आपका इनर पार्ट, जो मेड्यूला पार्ट है, प्लस में व्हाइट मैटर है। ये जो व्हाइट मैटर है ये क्या होता है, जो आपके एक्सॉन्स हैं उसके जो आपका न्यूरॉन है उसमें जो एक्सॉन्स हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, और वो जो माइलिनेटेड पार्ट होता है वो इनर पार्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए उसको कहते हैं व्हाइट मैटर। तो जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर है, कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं, उसमें सेल्स बॉडी प्रेजेंट है और साइटोन्स प्रेजेंट है। जो आपका इनर पार्ट है, मेड्यूला पार्ट है, व्हाइट मैटर है, क्योंकि उसमें एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शंस में काम करता है, मतलब आपकी लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप लोब की बात करें तो फोर लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब आपके फोर ब्रेन में। अब ये होता क्या है, जो आपका फोर ब्रेन है, अभी मैंने आपको दिखाया था ये फोर ब्रेन है, इसका जो कॉर्टेक्स एरिया है ये हाईली फोल्डेड एरिया होता है इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो आपका कहलाता है गायरी, एंड जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है आपका सल्काय। ठीक, इसके भी स्पेसिफिक फंक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो उभरा हुआ है वो गायरी है और जो डीपेस्ट पार्ट है वो सल्काय है। अब फोर ब्रेन में पहला सेरिब्रम में ही पहला क्या था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स था। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप कॉर्टेक्स को देखेंगे, जैसे ये आपका सेरिब्रल है पूरा पार्ट, और यहाँ पर इसका जो इतना पार्ट है, जैसे ये आउटर पार्ट है जो आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें सिक्स लेयर्स होती हैं, जिसमें आपकी प्राइमोडियल सेल्स होती हैं, नॉन प्राइमोडियल सेल्स होती हैं। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी जब हम लेयर दिखाएंगे सेल्स की तो सब समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली फोल्डेड क्यों होता है, जिससे ये सिग्नलिंग को एनहांस कर पाए, प्लस में प्रोसेसिंग या इंटरोगेशन जो है उसके लिए प्रॉपर कर पाए। एंड थर्ड जो है वो क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो ये सेल्स लेयर है, एवोल्यूशनरी इंक्रीज इन सेल लेयर कोरिलेट विद ग्रेटर बिहेवियर एंड कॉग्निशन फंक्शन। एंड सेकेंड आपका पार्ट, ये तो कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया, सेकेंड है आपका वेसल न्यूक्लियाई, जो आपकी वेसल गैंग्लिया है वो भी आपके फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम पार्ट है उसका हिस्सा होती है। तो ये जो आपकी वेसल गैंग्लिया है वो बेसिकली ग्रे मैटर के डीपेस्ट पार्ट में जो आपकी गैंग्लियाज प्रेजेंट होती हैं वो कहलाती हैं आपकी वेसल गैंग्लियाज। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली फंक्शन इसका है कंट्रोलिंग मूवमेंट, पॉस्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम है हमारा पहला पार्ट, सेरिब्रम को क्या कह लेते थे, टीलेंसेफलोन कहते थे, सेकंड पार्ट होगा डाइनसेफलोन। तो ये है हमारा टीलेंसेफलोन मीनिंग सेरिब्रम के बारे में, जिसके टू पार्ट है, पहला है कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है, एंड सेकंड है वेसल गैंग्लिया जो आपके डीपेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट है डाइनसेफलोन। अब ये जो डाइनसेफलोन है ये बेसिकली हेमिस्फीयर जो रहते हैं आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वहां प्रेजेंट होता है बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीचों बीच, और ये डिवाइड करता है आपके थर्ड वेंट्रिकल को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका थर्ड वेंट्रिकल था
थर्ड वेंट्रिकल मीनिंग डायोसील, वो आपके डाइनसेफेलॉन में प्रेजेंट था। अब इसके भी कई पार्ट्स होते हैं, इसका पहला पार्ट बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो पहला पार्ट है इसका थैलेमस। तो थैलेमस क्या कर रहता है, लार्ज न्यूक्लियाई को कंटेन करा रहता है और ये एक्ट करता है साइनेप्टिक रिले स्टेशन। अब ये क्या है, साइनेप्टिक रिले स्टेशन मीनिंग होता है कि एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ काम किए जाते हैं। तो ये होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जो आपका जैसे ये थैलेमस है, तो थैलेमस में जब ब्रेन से कोई सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कोई सिग्नल आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक, और यहां से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे से जितने भी सिग्नल जा रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ या थैलेमस के ऊपर जो जो आपके ब्रेन के पार्ट हैं, तो वो सारे होके जाते हैं आपके थैलेमस तक। तो जितना भी नीचे से आपका सिग्नल आ रहा है, आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सिग्नल आ रहा है, वो पूरा पहले आता है आपका थैलेमस में और थैलेमस फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं साइनेप्टिक रिले सेंटर। अब इसका जो जर्नल काम है वो बेसिकली अटेंशन के लिए है। और अब फोर ब्रेन में फिर डाइनसेफलोन का सेकंड पार्ट क्या है, वो हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस समझ गए कि थैलेमस क्या है, बेसिकली इसका जो मेन काम है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रेन के जो ऊपर वाले पार्ट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। सेकंड है आपका हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही आपका अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी उसमें पूरी लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे का पार्ट होता है, और जो आपका हाइपोथैलेमस है वो हमें पता है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी जो रहता है उसको कंट्रोल करता है। जब ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है तो ओवरऑल जो हमारी पिट्यूटरी है वो बेसिकली मास्टर ग्लैंड होती है, बहुत सारी और दूसरी आपकी ग्लैंड है हार्मोन के सिक्रेशन को प्रोडक्शन को नियंत्रित करती हैं। तो उस वजह से हाइपोथैलेमस को भी मास्टर सेंटर कहा जाता है। और इसका सेकेंड जो फंक्शन है वो है होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस जो है उसको कंट्रोल करता है, एंड सेकंड जो है एंडोक्राइन सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट है इसका एपिथैलेमस। तो डाइनसेफलोन के थ्री पार्ट्स हमने पढ़ लिए, पहला है थैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमस एंड थर्ड है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है, ये स्मॉल मास होता है। डाइनसेफलोन की जो नीचे का फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर है वो है आपका एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस जो है वो बेसिकली रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड के लिए, ठीक है, और जो आपका सर्काडियन रिदम है उसके लिए भी। तो ये जो पीनियल ग्लैंड में कैसे इसका रेगुलेशन होता है, मेलाटोनिन का जैसे पीनियल ग्लैंड सिंथेसिस करती है। जब हम एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी बस आप इतना जान लीजिए जो एपिथैलेमस है वो बेसिकली इंक्लूड करता है आपकी पीनियल ग्लैंड को और रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम को। तो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस के बारे में हो गया। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दिखा दे रही हूँ फोर ब्रेन का। पहले रिवाइज कर लेते हैं, जो फोर ब्रेन है उसके टू पार्ट है। पहला है सेरिब्रम जिसे कहते हैं टेलेंसेफलोन, एंड सेकंड है आपका डाइनसेफलोन जिसे कहते हैं थैलेमेंसेफलोन। अब जैसे ये आपका ब्रेन है, अगर आपने इसको बीच से कट किया, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और यहाँ बीचों बीच से जब कट किया जाएगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर खुल जाएगा, तो ये बिल्कुल बोई वाला स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो हाईली फोल्डेड है, ये क्या है, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका पार्ट, जिसमें क्या था, साइटोन्स थे, सेल बॉडी थी, इसीलिए जो ब्रेन का आउटर पार्ट है वो होता है आपका ग्रे मैटर, और जो इनर पार्ट है वो वाइट मैटर में जाता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो आपको वाइट वाइट दिख रही है, ये है कार्पस कैलोजम, जो बेसिकली कनेक्शन होता है बिटवीन टू हेमिस्फीयर का। फिर उसके नीचे आपके वेंट्रिकल शुरू हो जाते हैं, जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो टू इन नंबर होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है जैसे एक हेमिस्फीयर में होता है एंड सेकंड हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। फिर उसके नीचे का ये जो पार्ट होता है ये है आपका थैलेमस, फिर उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है वो है आपका हाइपोथैलेमस, और ये जो आपको ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल, और ये अगेन गायरियन सेल का है, जो आपका उभरा हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो उभरा हुआ पार्ट है वो गायरे है, और ये जो आपका डीपेस्ट पार्ट है वो सल्काय है। और ये देखिए ये डाइनसेफलोन के हमारे कितने,
यहाँ पे टू पार्ट्स दिया है, एपिथेलमस विजुअल नहीं है क्योंकि वो बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इस डायग्राम में विजुअल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका थैलेमस है और ये आपका हाइपोथैलेमस है और नीचे आपकी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है बेसिकली फोर ब्रेन का। अब आपको समझ में आया लोकेशंस कि जो आपके फोर ब्रेन में सेरिब्रो पहला जो था हमारा वो सेरिब्रम का था एंड सेकेंड डाइनसेफलर, थैलेमस हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस इसमें नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड विसल गैंग्लियन। तो ये हमारा खत्म हो गया फोर ब्रेन। अब नेक्स्ट जो है हम स्विच करेंगे हाइंड ब्रेन पे, सॉरी मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन अगर आप इसकी एनाटॉमिकली लोकेशंस देखें तो मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, मतलब फोर ब्रेन के बाद में। फोर ब्रेन का सबसे लास्ट हिस्सा कौन सा था, डाइनसेफलोन, और डाइनसेफलोन के कौन कौन से पार्ट थे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो उस कायदे से ये जो है ये प्रेजेंट होता है थैलेमस और जो मतलब आपका डाइनसेफलोन के नीचे का हिस्सा है, जो ये अगर आपका डाइनसेफलोन है और इसके नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका होगा मिड ब्रेन और यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका हाइंड ब्रेन। तो पहला पार्ट होगा आपका पॉन्स, सेकंड पार्ट होगा आपका मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा और फिर इस तरीके से होगा आपका सेरिबेलम। तो ये जो लोकेशन है ये होती है आपकी मिड ब्रेन की लोकेशन। ठीक, अब मिड ब्रेन के दो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, एक्टम जो आपका डोर्सल पार्ट होता है, मतलब जो आपके पीछे साइड का पार्ट है डोर्सल, और सेकंड जो है वो टेगमेंटम है जो आपका वेंट्रल पार्ट होता है, क्योंकि इस तरीके का जो ये वाला पार्ट होता है वो हमारी वेंट्रल साइड होती है और जो पीछे साइड की साइड होती है वो आपकी डोर्सल साइड होती है। ये लेटरल है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है नीचे का। फिर इसके बाद अगर हम ओरिजिन की बात करें, क्रेनियल लव ओरिजिनेट, जो क्रेनियल लव आपकी थर्ड है और जो आपकी फोर्थ क्रेनियल लव है वो बेसिकली ओरिजिनेट होती है आपकी मिड ब्रेन से। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्रेनियल लव्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब फंक्शंस अगर आप देखेंगे तो मिड ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, पहला है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग में, मीनिंग ये विजुअल एंड ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस्ड करता है। सेकेंड है मोटर कंट्रोल में, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग का फंक्शंस है, कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शन स्पेशली आई मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, तो उसके लिए ये कंट्रोल करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, अब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपका मिड ब्रेन मान के चलिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन वो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है और जो लेफ्ट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन आती है वो राइट हैंड साइड को जाती है। वैसे ही इस तरीके से आगे से अगर नीचे से राइट हैंड साइड से आ रही है तो लेफ्ट पे जाएंगी और यहाँ पे अगेन जब एक्सटर्नल स्टिमुलाइड राइट से आ रहा है तो लेफ्ट में, तो इस तरीके से राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे होते हुए इस तरीके का एक क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनता है, बेवलाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये बेवलाइक स्ट्रक्चर करता क्या है, जो आपका ग्रे मैटर होता है उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और आपके वाइट मैटर के साथ मिक्स कर देता है। तो उस तरीके से जो आपका मिड ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया है, मिड ब्रेन आपका एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, आपका ग्रे मैटर और वाइट मैटर आपस में फ्यूज होते हैं एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, आगे समझ में। फिर हमारा इसका नेक्स्ट फंक्शन है पेन परसेप्शन में एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैलिकुलाई। ये बेसिकली सुपीरियर कैलिकुलाई जो है वो आपकी आई मूवमेंट या आई रिफ्लेक्शंस के लिए होता है, जो इन्फीरियर कैलिकुलाई है वो आपकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए होता है। तो मैं अभी आपको जब ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैलिकुलाई क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो पहले आप लोकेशन देख लीजिए, अगर आपको याद हो, मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा इसीलिए दिखा रही हूँ जैसे आपके एकदम माइंड में बैठ जाए स्ट्रक्चर कि कहाँ है। ये हमारा क्या है, फोर ब्रेन है, ये ग्रीन वाला मिड ब्रेन था, फिर ये पॉन्स था, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक, अब ट्रांसवर्स सेक्शंस की बात कर लेते हैं। ये मिड ब्रेन का बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा है, इसको मैं अपने हिसाब से आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे पहला जो है आपका मिड ब्रेन के टू पार्ट्स है, एक तो टेक्टम है एंटेगमेंटम, यहाँ की बात कर रही हूँ, एक तो टेक्टम एंटेगमेंटम।
अब ये जो टेक्टम है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, या इसके टू पार्ट हैं। एक है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा मीनिंग होता है राउंडेड, क्वाड्रा मीनिंग फोर, एंड जेमिना मीनिंग होता है न्यूक्लियस, मतलब टू पेयर्स ऑफ राउंडेड मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टेक्टम में। एंड सेकेंड है आपका क्रूरा सेरिब्री, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल। अब जो आपका कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना था उसके भी टू पार्ट्स हैं, एक तो सुपीरियर कैलिकुलाई एंड सेकंड जो है इन्फीरियर कैलिकुलाई। तो इन्हीं दो के बारे में बात कर रही थी। ये टेक्टम में जो आपका कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना टू पेयर्स ऑफ राउंडेड मास ऑफ न्यूक्लियस, उसके टू पार्ट्स है सुपीरियर कैलिकुलाई एंड इन्फीरियर कैलिकुलाई। और ये जो सुपीरियर है वो बेसिकली आई रिफ्लेक्शंस के लिए होता है, और इन्फीरियर जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए होता है। तो बस ये जो इतना पोर्शन है यही आपको मिड ब्रेन में याद रखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बस आपके लिए दिखाने के लिए था ट्रांसफर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यहाँ पर मत जाइए। जो जो मैंने आपको बेसिक बताया है ये इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट है अब आपका हाइंड ब्रेन, जो हमारा लास्ट पार्ट है। हाइंड ब्रेन के कितने थ्री पार्ट्स थे, एक तो सेरिबेलम था, फिर आपका पॉन्स था एंड मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा था, ठीक है। तो सेरिबेलम जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। फर्स्ट क्या था, सेरिब्रम था, सेरिब्रम था, एंड सेकंड सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम में जो आपका कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं सेरिबेरल कॉर्टेक्स। अब इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसीलिए मैंने लिखा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अलग है जो सेरिब्रम में प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका सेरिबेलम प्रेजेंट है जिसे कहते हैं सेरिबेरल कॉर्टेक्स, ठीक। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन बेसिकली इसका होता है कोऑर्डिनेशन में, पोस्चर कंट्रोलिंग में एंड बैलेंस मेंटेनेंस में। अब ये क्या लिखा है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मीनिंग क्या है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके स्केलेटल मसल्स के थ्रू होता है, जैसे आपका लिम का ऊपर करना, नीचे करना, चलना फिरना, नेक को स्ट्रेच करना, कुछ भी करना, ये सारा आपका वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है बेसिकली। तो सेरिबेलम इसको इनिशिएट नहीं करता लेकिन इसको कैरी ऑन करता है। इनिशिएशन के बाद की जो प्रोसेस होती है, जो कोऑर्डिनेशन, पोस्चर कंट्रोल, बैलेंस मेंटेनेंस में, वो पूरा काम आपका सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि सेंसरी आउटपुट, रिसीव द सेंसरी इनपुट फ्रॉम मसल्स, ज्वाइंट, स्किन, आई, वेस्टिबुलर अपेरेटस, जो बेसिकली बैलेंस के लिए होता है, एंड विसरल ऑर्गन। तो बेसिकली ये सेंसरी इनपुट को ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पेरिफेरल की जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो लेके आएंगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मसल्स, ज्वाइंट, स्किन, आई, वेस्टिबुलर अपेरेटस, ये सारी स्किन इंफॉर्मेशन लेके कहाँ तक जाएंगी, सेरिबेलम में। और सेरिबेलम बेसिकली इनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक। और अगर इसका प्राइमरी फंक्शन देखा जाए तो वो मोटर कोऑर्डिनेशन में, मीनिंग आपके जो लिम्स का हिलाना, चलना, फिरना, ये पूरा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसीलिए जब आपकी हाइंड ब्रेन में कोई दिक्कत होती है तो आप ठीक से नहीं चल पाते, कई बार आपने ये देखा होगा कि आप चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, तो ये बेसिकली जब आपका सेरिबेलम थोड़ा यहाँ वहाँ होता है तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जान लो, ये रीसेंट रिसर्च में एक बात ये सजेस्ट हुई है कि जो आपका सेरिबेलम है वो मोटर कोऑर्डिनेशन में तो है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में तो है, लेकिन जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी होती है, ये जो आपकी थॉट प्रोसेसिंग होती है, लर्निंग मेमोरी कॉग्निशन होता है, उसको भी ये जो है कंट्रोल करता है। क्योंकि अभी तक ये था कि जो कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपकी लर्निंग मेमोरी कॉग्निशन पावर के लिए, बट एट द सेम टाइम लिटिल बिट इसका सेरिबेलम का भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है लर्निंग मेमोरी कॉग्निशन पावर में। लेकिन इसका प्राइमरी या मेजर फंक्शन जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन में ही है, मसल्स कोऑर्डिनेशन में है, मूवमेंट्स में है। सेकंड पार्ट जो है वो है पोन्स वेरुलाई। तो पोन्स वेरुलाई अब कहाँ प्रेजेंट होता है, जरा याद करो कहाँ प्रेजेंट था। पोन्स वेरुलाई प्रेजेंट था जैसे ही आपका मिड ब्रेन खत्म हुआ था। मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट था आपका पोन्स वेरुलाई, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट था वो था आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और आपका मिड ब्रेन। अब ये कैसे, अब देखो यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू हो जाती है जो आपको याद रखनी है। वो बात क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आपका ब्रेन है उसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो ग्रे मैटर की होती है, इनर मोस्ट कवरिंग जो है वो व्हाइट मैटर की होती है। लेकिन
पॉन्स वेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो आउटर पार्ट होता है, वो होता है आपका व्हाइट मैटर। और जो ये आपका इनर पार्ट है, ये होता है आपका ग्रे मैटर। तो जस्ट फ्लिप हो गई कहानी। फ्लिप कैसे हुई कि जो आपका हाइंड ब्रेन का पहला या हाइंड ब्रेन से जो शुरू हो जाता है, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनका जो आउटर पोर्शन होता है वो व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है, जो इनर पोर्शन है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। अब पॉन्स का मतलब बेसिकली ब्रिज होता है। अब ब्रिज इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आपने देखा ये ब्रेन जो स्टेम है उसका पार्ट बनाता है, मतलब ये जो आपका मिड ब्रेन है पॉन्स है एंड आपका ये मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है। मेड्यूला, ठीक है। तो ये जो आपका ये पूरा पार्ट क्या है, ये है आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के थ्री पार्ट्स है, मिड ब्रेन एंड मेड्यूला को कनेक्ट करने वाला है आपका पॉन्स, इसीलिए ये एज अ ब्रिज काम करता है। और पॉन्स का मतलब ही लैटिन में है ब्रिज। और फंक्शंस की अगर बात करें तो एक तो ये रिले सेंटर होता है, मैंने रिले सेंटर अभी थैलेमस में भी बताया था कि थैलेमस जो है उससे सीधा शुरू हो जाता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन भी रिले सेंटर का, मतलब आपका ये जो पूरा ब्रेन स्टेम है ये रिले सेंटर का ही काम करता है, जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन को लाना ले जाना, सेरिब्रल से कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को लाना ले जाना, सबके लिए रिले सेंटर जो है वो क्या है आपका पॉन्स वेरुलाई है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल में। अब इसको याद रखो, क्योंकि आपका जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा होता है प्लस आपका पॉन्स वेरुलाई होता है, ये दोनों ही आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं आपकी ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग रेट को एंड डेप्थ को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो है क्रेनियल नर्व्स। तो जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ये जो आपकी फोर क्रेनियल नर्व्स हैं, ये आपके पॉन्स वेरुलाई से ही ओरिजिनेट होती हैं। एंड नेक्स्ट आपका है फेशियल मूवमेंट में। तो ये जो है ये टोटल फंक्शंस हैं आपके हाइंड ब्रेन के। तो एक तो है हाइंड ब्रेन में ही आपके पॉन्स वेरुलाई के रिले सेंटर, फिर है आपका रेस्पिरेटरी कंट्रोल, क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन एंड फेशियल मूवमेंट्स। अब नेक्स्ट जो है वो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ये लास्ट पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा क्या है, लोअरेस्ट पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है, आपके हाइंड ब्रेन का भी लास्ट पार्ट है और ये कंटिन्यू कनेक्ट रहता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा में किसी तरीके की कोई इंजरीज होती है तो आप ये मान के चलिए आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इससे अफेक्ट होती है। इसको जरा ध्यान से सुनो। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की ही बात हो रही है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका भी आपका व्हाइट मैटर का होता है और जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, हाँ ग्रे का होगा। तो जो ग्रे है वो क्या है, बेसिकली सेल बॉडीज उसमें होती है इसलिए ग्रे कलर का है, व्हाइट क्या है उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स नर्व फाइबर है। फंक्शंस की बात करें तो वाइटल फंक्शंस है, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, वोमिटिंग एंड रिफ्लेक्सेस। रेस्पिरेटरी सेंटर है, बिल्कुल ब्रीदिंग रिदम को कंट्रोल करता है। कार्डियक सेंटर भी है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को ही ये कंट्रोल करता है। अब देखो इसके वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन है तो वाइटल ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो उसमें जैसे आपका रेस्पिरेशन सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, आपकी रिफ्लेक्सेस आएंगी जैसे कफिंग, स्नीचिंग, सबको कंट्रोल करता है। एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डेकोजेशंस पिरामिड। डेकोजेशंस पिरामिड बेसिकली क्या होते हैं, होता क्या है कि आपका जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है वो आपके उसका ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। तो ब्रेन से जो राइट ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएंगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आती है और लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे जाती है, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा इस तरीके से पिरामिड बनाता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है यही पिरामिड आपके कहलाते हैं डेकोजेशंस पिरामिड। होता क्या है, अगर मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा का राइट हैंड साइड पे डैमेज हुए तो लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस, जो लेफ्ट हैंड साइड के बॉडी पार्ट होते हैं वो पैरालाइज्ड कर जाते हैं।
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे किसी तरीके का कोई डैमेज होगा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के, तो राइट हैंड साइड का जो पूरा पोर्शन रहेगा वो पैरालाइज्ड करेगा। लेकिन अगर ये बीच में डैमेज होता है तो आपके पूरे जो आपके फोर लिम्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो सारे लिम्स पैरालाइज्ड कर जाती है, इवन डेथ की कंडीशन आ जाती है। तो ये जो पिरामिड्स हैं ये केवल आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में बनते हैं। तो इस तरीके से आपके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के फंक्शंस क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, रिफ्लेक्ट है, वो पिरामिड का फॉर्मेशन करता है। तो हुआ क्या कि अब हाँ ब्रेन स्टेम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अभी हमने क्या बात करी, फोर ब्रेन की बात करी, फोर ब्रेन के टू पार्ट थे, सेरिब्रम की बात कर ली, डाइनसेफलोन की बात कर ली, फिर इसके बाद आया आपका मिड ब्रेन, फिर थर्ड आया आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी हमने सेरिब्रम की बात करी, पॉन्स वेरुलाई की बात करी, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की बात करी। अब बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेड्यूला है। तो ये एक क्रिटिकल रीजन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये रिले स्टेशन के जैसे, ये भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक ऐसा सेंटर जो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, ये भी इसका फंक्शन है। और नेक्स्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन में, तो मैंने आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन भी बताया कि कैसे होता है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है न्यूक्लियाई का एंड एक्सॉन बंडल का। कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर बनती है, उस वजह से जितनी भी आपकी न्यूक्लियाइज हैं और जो आपकी सेल बॉडीज हैं उनको ये डिवाइड कर देता है, बहुत बड़े बड़े जो न्यूक्लियाई मास है उनमें कनेक्ट कर देता है, और एक्सॉन्स मतलब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को मिक्स कर देता है और रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। ठीक। और रिलीजेस बायोजेनिक एमीन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो बेसिकली ब्रेन स्टेम में क्या है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेड्यूला है। तो जो ये सारे फंक्शंस मिलके होते हैं वो ही आपके ब्रेन स्टेम्स के फंक्शंस होते हैं। अब ये जो है ये समरी है, ये आपको पढ़ने के लिए है, एक बार आप इसे देख लीजिएगा जब आप आराम से पूरा रिवाइज कर ले। तो वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फोर ब्रेन का मैंने आपको डिटेल बताया, मिड ब्रेन का बताया, हाइंड ब्रेन का बताया, उसी का ही ये डिटेल या समराइज्ड पोर्शन है। अब एक चीज ये और जान लो कि ब्रेन के इम्यून सिस्टम के बारे में। अब ब्रेन में क्या होता है कि अगर आप 100% की बात करें तो 90% सेल्स जो हैं आपकी वो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, लेकिन आपकी जो 10% सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स। और ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं ये मैक्रोफेजेस के जैसे काम करती हैं, ये ब्रेन की इम्यून सिस्टम को कैरी करती हैं। जैसे अगर कोई फॉरेन पैथोजन आया, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ, इंजरीज हुई, एबनॉर्मल सिचुएशन हुई, तो उनको डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक। तो वो ही सब कुछ लिखा हुआ है। और माइक्रोग्लियल सेल जैसे मेंटेन करती हैं ब्रेन होम्योस्टेसिस के लिए, और ये स्कैवेंजिंग करती हैं इंजर्ड सेल्स के लिए। जो भी आपकी इंजर्ड सेल्स रहेंगी उनको सेल को बाहर ब्रेन से बाहर करने का या क्लियरेंस का काम करती हैं आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बस ये है कि जो आपकी माइक्रोग्लियल सेल्स है वो एज अ मैक्रोफेजिस काम करती हैं, जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे ब्रेन में इंटर रहेंगे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती हैं। और अगर इनमें कोई डिसरेगुलेशन हो जाता है ऑफ माइक्रोग्लियल एक्टिविटी तो ये बहुत से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं उनको कैरी करने लगता है, जैसे अल्जाइमर है एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक। तो अब हमने ब्रेन का जो है पूरा पार्ट कवर कर लिया है, अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आउटर कवरिंग है मेनिंजेस, उसके थ्री पार्ट्स थे, थ्री लेयर थी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है। ड्यूरा मैटर प्रोटेक्शन दे रही थी, एरेक्नोइड मैटर वस्कुलर थी, नरिश्ड कर रही थी, एंड पिया मैटर जो है वो हाईली वस्कुलराइज थी क्योंकि एरेक्नोइड ने उसको ब्लड की सप्लाई दी है प्लस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर उसके बाद हमने ब्रेन पे स्विच करा था। ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, पहला है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, थर्ड है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के टू पार्ट्स हैं, एक है आपका टीलेंसेफलोन, सेकेंड है आपका डाइनसेफलोन। टीलेंसेफलोन मतलब सेरिब्रम एंड डाइनसेफलोन मीनिंग थैलेमोसेफलोन। फिर आपका मिड ब्रेन का मेजर कोई डिवीजन नहीं था, जो हाइंड ब्रेन है उसमें आपका है सेरिबेलम, फिर सेकंड है आपका पॉन्स वेरुलाई, थर्ड है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। जो आपका ब्रेन स्टेम है उसके भी थ्री पार्ट्स हैं, पहला आपका मिड ब्रेन आता है, सेकंड आपका पॉन्स वेरुलाई, थर्ड है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। सबके हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए हैं। तो अब हमारा फोर ब्रेन हो गया खत्म। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है वो क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है वर्टीब्रल कॉलम, क्योंकि अगेन ये हाईली सेंसिटिव पार्ट,
तो इसको हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि बाहर की जितनी भी इंजरीज हैं वो ना हो। तो वर्टीब्रल कॉलम के जो बीच बीच का पार्ट है, सॉरी वर्टीब्रल कॉलम के बीचों बीच हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो वाइट मैटर होता है और जो इनर मोस्ट पार्ट है वो आपका ग्रे मैटर होता है, और जो ग्रे मैटर होता है वो ही कॉन्टेंट किए रहता है आपके इंटर न्यूरॉन्स को, सेल बॉडी को, डेंड्राइट्स को एंड ग्लियल सेल्स को। तो बेसिकली जो आपकी सेल्स हैं या साइटोन्स है वो ग्रे मैटर का पार्ट है। ग्रे मैटर आपका डिवाइड करता है डॉर्सल हॉर्न में एंड वेंट्रल हॉर्न में। अभी ये डायग्राम के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाइट मैटर जो है वो सराउंडिंग रहता है आपके ग्रे मैटर के, क्योंकि अगर आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती हैं ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये और ये होता है आपका व्हाइट मैटर जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, और ये जो आपका इनर मोस्ट पार्ट है जहां पर आपकी सेल बॉडी और साइटोन्स प्रेजेंट है, ये है आपका ग्रे मैटर। तो ये फ्लिपिंग कहाँ से शुरू हो गई थी? ये फ्लिपिंग शुरू हो गई थी पॉन्स से, तो पॉन्स में भी यही था। फिर इसके बाद मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में भी आपका यही था, और जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी यही सिचुएशन है, आउटर वाइट है, इनर ग्रे है। फिर अब ये देखिए जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोनल जो आपकी ट्रेक्स्ट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जिनमें कुछ डिसेंडिंग होती हैं, कुछ असेंडिंग होती हैं। अभी डायग्राम में सारा ये समझाऊंगी। इसमें डॉर्सल रूट होते हैं, वेंट्रल रूट होते हैं, जो आपकी एफरेंट न्यूरॉन्स होती है, जब मैंने आपको पहले बताया था जो आपकी सेंसरी है, एफरेंट न्यूरॉन्स है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, वो आपके डॉर्सल रूट में होती हैं, और जो आपकी सेल बॉडीज एंड डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपकी एफरेंट। तो जो आपकी एफरेंट होती है मीनिंग जो सेंसरी होती है वो डॉर्सल रूट में होती है, और जो आपकी इफ्रंट न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर्स न्यूरॉन होती हैं, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बाहर लेके जाती हैं, वो आपके वेंट्रल रूट पे होती हैं, ठीक। और ये जो आपका डॉर्सल और वेंट्रल रूट है वो कंबाइंड करके आपका स्पाइनल नर्व्स जो है उनको बनाता है। तो मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है, रुको अब ये देख लो पहले, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक बेसिक डायग्राम है। तो उसमें क्या होता है, पहले तो आपके ये डेक्यूजेशंस प्राइमेट थे जो हमारे मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा के पार्ट थे, और वहां से सीधा हमारा शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टीब्री होते हैं, सर्वाइकल वर्टीब्री, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कुकाइजियल। तो आपका जो ये थोरेसिक रीजंस होता है, थोरेसिक कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ये आपकी कहलाती है थोरेसिक, ये एनलार्जमेंट है थोरेसिक कॉर्ड। फिर उसके बाद सर्वाइकल कॉर्ड, सॉरी, फिर उसके नीचे आती है थोरेसिक। थोरेसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं, सर्वाइकल 8 होता है, थोरेसिक 12 होता है। जो थोरेसिक रीजन में होता है वो होता है थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये देखिए, ये जो लंबर रीजन में होता है उसे लंबर कॉर्ड कहते हैं, और यहाँ पर 2 इनलार्जमेंट होते हैं, एक लंबर इनलार्जमेंट है और दूसरा जो सर्वाइकल रीजन में है वो है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। फिर उसके बाद आपका सैक्रल रीजन है, फिर उसके बाद कॉक्साइजियल रीजन है। तो ये वाला रीजन आपका नीचे का है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी सर्वाइकल रीजंस में होती है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, फिर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्साइजियल, तो ये आपका पार्ट होता है। अब जो मेनिंजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो मेनिंजेस कहलाती है, तो वो ये है आपकी मेनिंजेस, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या था, वर्टीब्रल कॉलम था, फिर मेनिंजेस शुरू हो जाती थी। तो पहली कौन सी थी, ड्यूरा मैटर है ये, फिर सेकंड आपकी थी एरेक्नोइड मैटर, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और जो लास्ट में ये जो है ये व्हाइट कलर का, ये था पिया मैटर। तो इस तरीके से आपका ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर, और फिर बाद में आपका सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील है, और यहीं पर आपका रहता है स्पाइनल कॉर्ड, और आपके ये स्पाइनल गैंग्लियंस है, बेसिकली यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स जो हैं, सॉरी स्पाइनल नर्व्स जो है वो बाहर निकलती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन को लाती है, ले जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। इसको भी हम डिटेल में जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां कवर करेंगे। अब ये देख लो, ये ट्रांसवर्स सेक्शंस है बेसिकली। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, इसको इस तरीके से कट करेंगे और ऐसे ही देखेंगे, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो
तो ये बिल्कुल वैसा है, ये आपकी पूरी वर्टीब्री है। फिर इसके बाद जब कट किया तो देखो इसका इनर पार्ट जो है वो ग्रे मैटर है, और ये जो इसका आउटर पार्ट है वो आपका व्हाइट मैटर है, ये वाला है। तो डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, इसको इस डायग्राम से समझो जरा। अब क्या किया है, ये जो कट ऐसे किया और ऐसे दिखा दिया, या वैसे देखो, ठीक है। तो जब आपने इस तरीके से इसको लोकेट किया तो हुआ क्या कि पहले ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला ये पोर्शन, तो ये है आपका डोर्सल रूट और ये वाला है आपका वेंट्रल रूट। वैसे ही इस तरफ भी आपका डोर्सल रूट, ये है वेंट्रल रूट, और ये वाला जो आपका पोर्शन होता है इस तरीके का, ये होता है आपका लेटरल पार्ट, ठीक। अब क्या होता है कि जो आपका ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, इसका दूसरा नाम है आपका डोर्सल ग्रे हॉर्न, ठीक। और फिर आपका ये लेटरल ग्रे हॉर्न है जो लेटरल साइड पे है, वैसे ही आप अगर यहां पे भी देखेंगे तो डोर्सल ग्रे हॉर्न है एंड जो आपका वेंट्रल ग्रे हॉर्न है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये थ्री यहाँ पे हॉर्न रहेंगे। पहला आपका रहेगा पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न जिसे कहते हैं डोर्सल ग्रे हॉर्न, फिर आपका लेटरल एंड एंटीरियर, एंटीरियर मतलब कि वेंट्रल ग्रे हॉर्न। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थ्री हॉर्न्स रहते हैं एंड थ्री कॉलम होते हैं। ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला ये पोर्शन, ये है आपका पोस्टीरियर वाइट कॉलम, इसको कहते हैं डोर्सल वाइट कॉलम भी कहते हैं। सेकंड आएगा आपका फिर लेटरल वाइट कॉलम एंड लास्ट आएगा आपका एंटीरियर वाइट कॉलम जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर वाइट वेंट्रल वाइट कॉलम। तो आपका जो पोस्टीरियर है वो डोर्सल है और जो आपका एंटीरियर है वो वेंट्रल है। तो आप पोस्टीरियर कह दीजिए या डोर्सल कह दीजिए, आप एंटीरियर कह दीजिए या वेंट्रल कह दीजिए। तो इस तरीके से थ्री आपका हॉर्न रहता है, थ्री जो है आपके कॉलम्स है, और ये आपका डोर्सल रूट है, ये वाला आपका वेंट्रल रूट है। जो आपका डोर्सल रूट है वहां से आपकी सेंसरी नर्व्स निकलती हैं, और जो आपका वेंट्रल रूट है वहां पर आपके मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आगे दोनों मिलके बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो समझ में आया, ये आपका बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, सेंसरी नर्व्स जो आपके डोर्सल रीजन में प्रेजेंट है एंड वेंट्रल में जो आपके मोटर्स हैं वो मिलके आगे बनाती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शंस बता दिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात करा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात कर ली, जिसमें मैंने आपको ब्रेन के बारे में बता दिया है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिया है। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार आप समझ गए होंगे, समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होंगे हम आपकी उन क्वेरीज को कंसिडर करके यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तब तक आराम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन वाले पार्ट को आराम से पढ़ते रहिए। जो भी क्वेश्चंस हो हम नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।